हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट आई एम अर्चना अगेन विद यू आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर्स जो रिड्यूस किए गए हैं या वो चैप्टर्स के टॉपिक्स जो क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं ठीक है उन चैप्टर्स में से क्या क्या रिमूव किया गया है कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नहीं करनी है ठीक है उन एक्सरसाइज को उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ ओके सो कम टू नेक्स्ट दैट इज यूनिट वन रिलेशंस एंड फंक्शंस यूनिट वन रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर वन है उसकी बात करते हैं वो चैप्टर क्या है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर वन ठीक है इसमें जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं बच्चों वो हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये दो टॉपिक रिमूव किए गए हैं एंड इनके रिगार्डिंग जो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है वो है एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 ये आपको नहीं करनी है इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने हैं एंड इनके रिगार्डिंग जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं

ठीक है ये नहीं करनी है एंड अकॉर्डिंगली जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें इन टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व नहीं करने हैं ठीक है थीके? तो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है बोल रहे हैं कि 30 परसेंट सिलेबस रिड्यूस हो गया है ठीक है देखते हैं नाउ यूनिट टू एल्जेब्रा चैप्टर थ्री माट्रसेस इसमें से क्या हटाया गया है इसमें से हटाया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस एंड इनवर्टेबल मैट्रस एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एक्ट हेयर ऑल मैट्रसेज विल है इतने ये जो टॉपिक्स थे इसमें ये भी सब यहाँ से हटा दिए गए हैं ठीक है तो इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज कौन सी बन रही है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर ठीक है ये नहीं करनी है एंड अकॉर्डिंगलीस एक्सरसाइज होती है ठीक है में में से इन topics के regarding questions नहीं करने हैं हैं जो होते वो दिए होते हैं ठीक है तो बोला ये जाता है कि जो हमारा ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं बट जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फर्दर एग्जामिनेशन की है ना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तो वो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाए बट अगर आप ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज करते वक्त ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं करेंगे ठीक है नाउ चैप्टर फोर डिटरमिनेंट्स इसमें से जो रिमूव किए गए हैं टॉपिक्स वो हैं कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी नंबर ऑफ सल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर है ये टॉपिक्स यहाँ से रिमूव किए गए हैं और इस इन टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है दैट इज ठीक है ये नहीं करनी है ओके नाउ मिसलिनियस अकॉर्डिंगली ठीक है आपको ये मिसलिनियस uh, एक्सरसाइज में से इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप नहीं करेंगे नाउ कम टू कैलकुलस पार्ट ठीक है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी में से जो रोल्स एंड रेगुलजेज मीन वाली थेरम थी विदाउट प्रूफ एंड डियर जिमेट्रिक इंटरप्रिटेशन उनके प्रूफ आपको नहीं करने हैं ठीक है और जो उनकी इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन थे वो भी आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं तो इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज बनती थी एक्सरसाइज 5.8 जो कि आपको नहीं करनी है ठीक है एंड अकॉर्डिंगली मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी आपको इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो नहीं करने हैं ठीक है नाउ Unit six, of से टू हटाए गए हैं जो पहला टॉपिक है वो है of of इनके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज बनती है वो है सिक्स पॉइंट वन एंड सिक्स फोर एंड इनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा मिसलिनियस एक्सरसाइज में वो भी आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे ठीक है नौ यूनिट थर्ड कैलकुलस अगेन वी पास लिमिट होती थी जिसमें दो लिमिट का सम करके आप करते थे और उसके जो भी है इस प्रॉपर्टी से इस लिमिट्स के लिमिट ऑफ सम रिगार्डिंग वो थे एक्सरसाइज सेवन ठीक है इसमें नहीं करने हैं एंड अकॉर्डिंगली यू विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मिसलिनियस एक्सरसाइज ओके नाउ कम टू चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट में एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स था ओके तो इसमें जो आपका आ, हटाया गया है टॉपिक वो है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अब सेड कर्व्स द रीजन शुड बी क्लियरली इन आइडेंटिफिएबल ओके सो इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है वो क्या है एक्सरसाइज 8.2 ठीक और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो भी सॉल्व नहीं करने हैं ठीक नाउ चैप्टर नाइन डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशंस इज गिवन जिनके जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन होते थे ठीक है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करना होता था ठीक है वो वाले क्वेश्चंस हमने नहीं करने हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.3 एंड अकॉर्डिंगली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं करने हैं यस नाउ चैप्टर टेन वाक्टर्स इसमें जो टॉपिक रिमूव किया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इस टॉपिक को यहां से हटाया गया है और इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज बनती है एक्सरसाइज टेन पॉइंट फाइव एंड सिमिलरली रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स दिस टॉपिक इन मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ठीक है तो काफी हद तक सिलेबस आपका कम हो गया है एंड नाउ कम टू चैप्टर इलेवन थ्री इसमें जो टॉपिक प्लेन प्लेन एंगल बिटवीन टू टू लाइंस एंड 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 प्लेन्स अ अ लाइन तो इन तीन टॉपिक्स पे ठीक है जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में होंगे वो आपको सर्च करने पड़ेंगे इनफैक्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें भी आप देखोगे पता चल जाता है उसको क्वेश्चन को रीड करने से ही मैं अपने आने वाले वीडियो एक तैयार करती हूँ जिसमें कि इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चन हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज में वो मैं डिस्कस आपके साथ करूंगी ठीक है अभी क्या है यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्लेन एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में जो एंगल हमने निकालना था या फिर टू प्लेन्स के बीच में निकालना था या फिर अ लाइन एंड अ प्लेन उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करने थे तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नहीं करने हैं ठीक है थीके? नाउ चैप्टर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट टॉपिक डिलीट हुआ है ठीक है का जो होता था, आपको एक बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम दी होती थी जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन विथ कंस्टेंट्स बनाते थे ठीक है उसको आप नहीं करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे और दूसरे क्वेश्चन कौन से हैं अनबाउंडेड रीजन वाले, लाइक जैसे ये आपका ग्राफ था है ना और कुछ इस तरीके से मान लो आपके पास आ, आ जाता था ये कर्व, तो ये तो अनबाउंडेड रीजन इस तरीके से यो बनता था, ये अनबाउंडेड रीजन आता था इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप नहीं करेंगे जहां पर भी आपको अनबाउंडेड रीजन मिलेगा ठीक है तो ये दो टॉपिक्स हैं जो यहाँ से हटा दिए गए हैं ठीक तो इनके टॉपिक्स uh, के बेस्ड पर जो एक्सरसाइज हैं कौन कौन सी बनती है एक्सरसाइज ट्वेल्व पार्शियली हटाई है आप चेक करोगे कि कौन कौन से uh, इसमें से प्रॉब्लम्स uh, हैं जो इन टॉपिक पर बेस्ड हैं एंड एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू जिसमें कि अनबाउंडेड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप छोड़ देंगे उनको आप सॉल्व नहीं करेंगे एंड अकॉर्डिंगली मिसलिनियस एक्सरसाइज इनमें से भी आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ठीक uh, है नूनिट सिक्स प्रोबॉबिलिटी है जिसमें कि ठीक है? इन टॉपिक पर क्वेश्चंस नहीं होंगे इन टॉपिक से रिगार्डिंग जो बनता है वो है एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर एंड थर्टीन पॉइंट फाइव एंड अकॉर्डिंगली जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें से भी इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है नाउ